हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखो आज का जो टॉपिक है ना यार, उसका डेरिवेटिव से कोई लिंक नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी भी है ना। स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है जब आपकी ये पूरी जो टर्म है, ये पूरी टर्म कितनी चीजों की है, एक दो तीन चार चीजों की, ये ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है। ये बात याद रख लेना, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है भाई, सबको पता है यार वैसे तो, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो टॉपिक कैसे सॉल्व होगा, जो आपकी इक्वेशन है सबसे पहले आप उसे इक्वल टू जीरो पुट कर दो। जो आपकी इक्वेशन है आप इसको क्या करो, इक्वल टू जीरो पुट कर दो। कर दिया भाई। अब इससे पहले वाले से x की वैल्यू आएगी जीरो, दूसरे वाले से x की वैल्यू आती है जीरो पुट करते हैं तो टू, तीसरे वाले से x की वैल्यू आती है फाइव और लास्ट वाले से आती है x की वैल्यू माइनस थ्री। भाई हमने एक एक करके सबको जीरो के इक्वल पुट करा और x की हमने चार वैल्यूज निकाल दी। अब क्या करें, अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, हम एक स्ट्रेट नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन पे हमारे इन चारों क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। नंबर लाइन कहां से चालू होती है, माइनस इन्फिनिटी, एंड कहां होती है, प्लस इन्फिनिटी। आपके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, चार, सबसे छोटा क्या है, माइनस थ्री, फिर क्या है, जीरो, फिर टू और फिर है फाइव, आगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या करेंगे, देखो नंबर लाइन के इतने सारे केसेस हो गए, फर्स्ट माइनस थ्री से इधर, फिर इनके बीच में, फिर जीरो से टू के बीच में, फिर टू से फाइव और फिर फाइव से बड़ा। हर केस का अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे यहां लेते हैं माइनस का फोर, यहां लेते हैं माइनस का वन, इनके बीच में लेते हैं प्लस का वन, इनके बीच में लेते हैं थ्री और इधर ले लेते हैं सिक्स। हर केस का अपन ने एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले आप एक्स की जगह माइनस का फोर पुट करो, ठीक है, और चेक करो कि आपका जो मेन क्वेश्चन है, ये जो सारी टर्म्स है चारों का ग्रुप, वो जीरो से बड़ा आता है या छोटा आता है। तो माइनस फोर पुट करने पे ढंग से देखना, पहला ब्रैकेट ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी कि चारों नेगेटिव। तो चार नेगेटिव मिलके क्या देते हैं आंसर, पॉजिटिव, समझ गए। माइनस वन नेगेटिव, 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 लेकिन ये वाला पॉजिटिव, तो तीन नेगेटिव मिलके क्या देते हैं, नेगेटिव। प्लस का वन पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बीच में दो नेगेटिव मिलके क्या आंसर देते हैं, पॉजिटिव। थ्री पुट करते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव। सिक्स पुट करते हैं तो सारे पॉजिटिव। हमारे को मतलब था ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव से, तो जिन जिन ने हमको पॉजिटिव आंसर दिया है वो हमारे लिए फाइनल आंसर्स बन जाएंगे, ठीक है, और उनको हम फाइनल लिस्टिंग में लिख देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, एक्स लेस देन माइनस थ्री, इस पूरी टर्म को वाई मान के चल लेना, है ना, इस पूरी टर्म को क्या करेंगे, वाई मान के चल लेते हैं। तो उससे क्या होगा, बार बार आपको ये पूरी टर्म नहीं लिखनी पड़ेगी, आप यहाँ सीधा वाई लिख दोगे कि जो हमारा ये वाई है ना, वाई ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फिर अगला केस क्या है, एक्स बिटवीन माइनस थ्री एंड जीरो, इस सिचुएशन में वाई आ रहा है लेस देन जीरो, फिर आ रहा है एक्स जीरो से टू, तो इस सिचुएशन में वाई आ रहा है क्या, वापस से ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फिर अगली सिचुएशन क्या है, टू से फाइव, एक्स लाइंग बिटवीन टू टू फाइव, इस सिचुएशन में हमारा वाई क्या आ रहा है भाई, लेस देन जीरो, ठीक है, और फिर है एक्स ग्रेटर देन फाइव, तो इस सिचुएशन में वाई क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो जहां जहां वाई पॉजिटिव है वो हमारा आंसर है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पे था, तो इट इज वेरी इजी। तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, पहला पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री ओपन ब्रैकेट, यूनियन जीरो और टू पे भी ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन फाइव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी ओपन ब्रैकेट। यार ये हर जगह ओपन ब्रैकेट क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में जीरो पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ इक्वल भी होता तो हम ये ब्रैकेट्स को क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। हेंस जो हमने लास्ट में लिखा है ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, इजी है। आगे बढ़े, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ढंग से कॉपी करेंगे, दिमाग लगाएंगे और एक बार खुद से जरूर ट्राई करेंगे। अभी बता देता हूं, देखो इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ग्रेटर का मतलब हुआ पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि आप आंसर में क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये ऑलरेडी फैक्टर्स में गिवन था, ये फैक्टर्स में गिवन नहीं है, तो यहां थोड़ी मेहनत बढ़ेगी, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर
प्लस का 4, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं और इसको लिखते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 4 कॉमन लिया, फिर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, फिर a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत क्यों भरी? क्योंकि आपको खुद को ये फैक्टर्स करने पड़ गए भाई फैक्टर्स, है ना? ये फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन नहीं थे, ये हमको खुद को करने पड़ गए फैक्टर। क्लियर है यहां तक? ये फैक्टर हो गए। अब यार आपका कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन पहले क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे लेट ये जो पूरी टर्म है इसको इक्वल टू जीरो, ये जो पूरी टर्म हमने बनाई है इसको हम लेते हैं इक्वल टू जीरो। तो यार एक एक करके सबको जीरो पुट करेंगे। पहले वाले से x निकलेगा माइनस का 1, फिर निकलेगा प्लस का 1, फिर निकलेगा माइनस का 2 और फिर निकलेगा प्लस का 2। ये चार वैल्यूज हो गई। अब क्या करें? अपन एक स्ट्रेट नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रेट नंबर लाइन बना दी। ठीक है, इस नंबर लाइन पे हमारे चारों क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे, और वो भी कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, यहां तक नंबर लाइन चालू होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब क्या करें? अपन हर केस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहां का एग्जाम्पल माइनस 3, इधर का एग्जाम्पल माइनस का 1.5, इधर का एग्जाम्पल 0, इधर प्लस का 1.5 और इधर 2 से बड़ा 3। माइनस 3 पुट करते हैं किधर? इधर। तो ये आएगा देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि चार नेगेटिव मिलके आंसर देंगे पॉजिटिव। माइनस का 1.5 पुट करते हैं, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तीन नेगेटिव मिलके आंसर देंगे नेगेटिव। जीरो पुट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो नेगेटिव मिलके आंसर देंगे पॉजिटिव। 1.5, दो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये अकेला नेगेटिव, और 3 पे सारे क्या है? पॉजिटिव। अब एग्जांपल्स का कोई यूज है नहीं, क्योंकि ये तो अपन सिर्फ खुद के लिए चेक करने के लिए लगाते हैं, तो इनको अपन हटा देते हैं यहां से। अब अपन केसेस की लिस्टिंग कर देंगे, क्या क्या केसेस लिए हमने उनकी लिस्टिंग कर देते हैं। क्या है केस? इफ एक्स इज लेस देन क्या? माइनस 2। अगला केस, एक्स लाइंग बिटवीन माइनस 2 एंड माइनस 1। ठीक है, फिर अगला केस माइनस 1 से प्लस 1, फिर अगला केस 1 से 2, एक्स लाइंग बिटवीन 1 से 2, फिर अगला केस एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये अपन ने सारे केसेस लिख दिए। पहले वाले केस में y क्या आया? पॉजिटिव, यानी कि y इज ग्रेटर देन 0, फिर y इज लेस देन 0, फिर y इज ग्रेटर देन 0, फिर y लेस देन 0 और फिर y ग्रेटर देन 0। तो जहां जहां पॉजिटिव आया वो आपका आंसर है, और फाइनल आंसर में आप लगाओगे क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या लगाओगे? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि आपको इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में दे रखा है। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, माइनस 1 से प्लस 1 और 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो फाइनल आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ठीक है, और लास्ट ये तीसरा केस। आ गया समझ में? ये हमारा फाइनल आंसर है, जहां जहां पे आपकी कंडीशन क्या रहेगी? पॉजिटिव। आगे बढ़े नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका, और यहां फिर से क्या आ गया? ग्रेटर देन जीरो। तो क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इसके फैक्टर्स ऑलरेडी हो रखे, तो आप पहले तो इसको y मान लो, ताकि आपको बार बार ये पूरी टर्म ना लिखनी पड़े, कई जगह आगे इसको लिखना नहीं पड़ेगा, y लिख देंगे उससे काम चल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सको। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट x आया 0, फिर x आया एक 1 और फिर x आया 2। अब क्या करेंगे? अपन एक स्ट्रेट नंबर लाइन बना लेते हैं और उस पर अपन ही अपने तीन पॉइंट्स पुट कर देंगे। कौन से है तीन पॉइंट? ये है हमारा 0, फिर है 1, फिर है 2। ठीक है, अब इनके बीच में अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस का 1, 0.5,
1.5 और 2.5, ठीक है। और नंबर लाइन कहां से चलती है? माइनस की इंफिनिटी से प्लस का इंफिनिटी। तो माइनस का वन पुट करते हैं सबसे पहले इधर, है ना, जो आपको चेक करना है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, तीन नेगेटिव यानी कि ओवरऑल नेगेटिव। अब 0.5 पुट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। 1.5 पुट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो अकेला नेगेटिव लास्ट वाला, तो नेगेटिव। और 2.5 पे सारे ही पॉजिटिव। क्वेश्चन है ग्रेटर देन जीरो, तो आप पॉजिटिव वाले आपके आंसर्स लोगे। अब एग्जांपल्स का कोई यूज नहीं है, एग्जांपल्स को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की वही वर्किंग लिखेंगे। क्या पहला केस क्या है? एक्स इज लेस देन जीरो। फिर अगला केस क्या है? एक्स लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन। फिर अगला केस क्या है? एक्स लाइंग बिटवीन वन एंड टू। फिर अगला केस क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन टू। क्लियर? पहले वाले केस में y इज लेस देन जीरो, फिर y ग्रेटर देन जीरो, फिर y लेस देन जीरो, और लास्ट वाले में y ग्रेटर देन जीरो। y क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को y मान लिया ना। अब आपका केस ग्रेटर देन जीरो पे था, तो जहां जहां पॉजिटिव है वो आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द कंडीशन इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, और इक्वल भी लग गया इसका मतलब क्या होता है कि आप डोमेन में क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओगे। तो सबसे पहले तो वही सेम y ले लो। अब समझ में आ ही गया है ना, तो वीडियो पॉज करो यार और खुद से ट्राई करो। एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, क्योंकि ये इस पूरे को जीरो के इक्वल पुट करो, उससे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। एक जीरो आएगा, एक वन आएगा, एक टू आएगा। अब आप एक स्ट्रेट नंबर लाइन क्रिएट कर लो। ये बना दी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन चालू होगी माइनस इंफिनिटी और एंड होगी प्लस इंफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट है जीरो, वन और टू। हर एक केस का एग्जाम्पल ले लेंगे। माइनस का वन, 0.5, 1.5 और 3 एग्जाम्पल्स ले लिए। माइनस वन पुट करते हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो दो नेगेटिव हो गए ना, तो मिलके पॉजिटिव बनेंगे। 0.5 पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, है ना, क्लियर है यहां तक। तो ये भी हमारा नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगा ये भी, है ना। देखो यार बड़ी यूनिक बात हो रही है यहाँ पे, क्या कि दो एक साथ पॉजिटिव आ रहे। 1.5 पॉजिटिव का 1.5 पॉजिटिव पॉजिटिव, और वो अकेला नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। और अब देखते हैं 3, तो 3 पे ये सारे पॉजिटिव, 3 पे ये सारे ही पॉजिटिव। तो अब अपना क्वेश्चन क्या था? सिर्फ नेगेटिव का था ना, तो एग्जाम्पल्स की तो अब नीड नहीं है ना। एग्जाम्पल्स को तो हटा दो यहां से, हो गया चेक आपका। फाइनली आपका जो आंसर है वो ये बनेगा 1 से 2, और लगाओगे क्लोज्ड ब्रैकेट। वही अब आगे की वर्किंग आपको पता है ही, क्या वर्किंग होती है? इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। आगे इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, फिर आगे x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, फिर आगे x इज ग्रेटर देन 2। हर केस में y के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले y है 0 से बड़ा, फिर y है 0 से बड़ा, फिर y है 0 से छोटा, ठीक है, और फिर y वापस है 0 से बड़ा। तो जहां y 0 से छोटा है वो आपका आंसर है। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 1 से 2। फिर से बता रहा हूं क्लोज ब्रैकेट क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों है अच्छा? क्योंकि इसमें यहां पे क्या आ गया, इक्वल टू में देखो 0 नहीं है, है ना, इनइक्वालिटी के बाद 0 नहीं है, 1 है। तो इसमें एक नई चीज हमको क्या सीखनी है कि पहले 1 को शिफ्ट करना पड़ेगा। इस 1 को इधर लाके माइनस का 1 बनाएंगे, 0 छोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इस पे मेहनत करेंगे अपन, ठीक है। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 3 माइनस एक्स और ये एक्स माइनस 2। ये है आपका फाइनल क्वेश्चन जिस पे आपको मेहनत करनी है। ये थोड़ी से स्टेप्स क्यों बढ़ गए, क्योंकि उधर 1 था, तो अब वो ठीक है, सॉल्व हो गया। अब यहां से आप एक बार न्यूमरेटर को 0 पुट करो और एक बार डिनोमिनेटर को, है ना। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है न्यूमरेटर से तो 3 और डिनोमिनेटर से 2,
हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 2 और 3, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्लियर। अब क्या करें, अपन एक स्ट्रेट नंबर लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट नंबर लाइन हमने बना दी, ठीक है। नंबर लाइन चलती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन पे दो पॉइंट आएंगे, एक 2 और 1 3। 2 से छोटा कोई नंबर बोलो, 1, इधर 2.5 और इधर लेंगे 4, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब साइन चेक करते हैं यार, साइन चेक करें, 1 पे क्या साइन आएगा, 1 पे आएगा ऊपर पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव, ओवरऑल हो गया नेगेटिव। 2.5 पे दोनों ही पॉजिटिव, और 4 पे क्या होगा, 4 पे ऊपर आएगा नेगेटिव, नीचे आएगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। हमारे को किससे मतलब है, नेगेटिव से, क्योंकि लेस देन जीरो है। और हम 2 पे क्या लेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा अगर 2 को इंक्लूड कर लिया तो, लेकिन 3 पे ले लेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। तो इसमें हमारा आंसर क्या हुआ, फाइनल लिखेंगे कैसे इसको, इफ एक्स इज लेस देन 2 पहला केस, इफ एक्स लाइज बिटवीन 2 और 3 दूसरा केस, और फिर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, क्लियर। और अभी जो आपने एग्जांपल्स लिए इनको हटा दो, इनका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे ये जो आपका केस है इसको वही वाई मान लेते हैं ना अपन, तो जो हमारा वाई है, जो हमारा वाई है वो इस केस में आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, इस केस में आ रहा है पॉजिटिव, इस केस में आ रहा है नेगेटिव। हमारे को क्या चाहिए, नेगेटिव, ठीक है, और इक्वल टू भी है, तो 3 पे यानी कि न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर वाले पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट। तो कहां कहां नेगेटिव आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर है। पॉज करो और एक बार ढंग से इसको रीड कर लो। नेक्स्ट अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ नहीं है, इक्वल टू में 0 है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको y लेके क्रिटिकल पॉइंट बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल्स टू, क्या करें, इसको y ले लिया अपन ने, अब y इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 3 और अपॉन में x प्लस 2। ये जो क्वेश्चन है आपने इसको y ले लिया, अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल टू में क्या, 0। इससे आपके क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक तो माइनस का 1, एक आएगा 3, देखो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या होता है, ऑन सेफ साइड डिनोमिनेटर का जरूर निकाल देना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि हो सकता है वो आपका आंसर बदल दे, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है उसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें डिनोमिनेटर भी मैटर करता है, ठीक है ना, उसके साइन भी तो मैटर करते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर का भी क्रिटिकल पॉइंट हम एक बार निकाल देते हैं। निकाल दिए, अब आप इनको पुट कर दो, माइनस 2 फिर माइनस का 1 और फिर सबसे बड़ा 3। अब आप सबके एग्जांपल ले लो, माइनस 3 माइनस का 1.5 और इनके बीच में जैसे 0 और 3 से बड़ा 4, ले लिए एग्जांपल्स। अब आप माइनस 3 चेक करते हैं, माइनस 3 पुट करो यार, माइनस 3 क्या आएगा, माइनस 3 पुट करने पे जिसको आपने वाई लिया है या ऊपर वाला किसी को भी देख लो, देखो माइनस 3 पे नेगेटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ऊपर 2 ने, ओवरऑल 3 नेगेटिव यानी कि आंसर नेगेटिव है। माइनस 2 से माइनस 1 यानी कि माइनस का 1.5 पुट करो, ये आएगा नेगेटिव, ठीक है, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। आगे माइनस 1 से 3 के बीच में आप ले लो 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि एक नेगेटिव है, 3 से बड़ा 4 तो सारे ही पॉजिटिव। अब आपका जो क्वेश्चन है वो किस चीज पे था, सोचो चेक करो, ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0, क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हम पॉजिटिव वाला आंसर ले लेंगे। लेकिन लेकिन हम क्या करेंगे, डोमेन में अगर आंसर जब लिखेंगे तो जो माइनस 2 है ना डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप आगे क्या लिखोगे, वही इफ एक्स इज लेस देन माइनस 2, इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस 2 माइनस 1, इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 3 और लास्ट इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। चार केसेस लिख दोगे, इधर नेगेटिव लेस देन 0, इधर पॉजिटिव, फिर इधर नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हम फाइनली क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला आंसर माइनस 2 माइनस 1 और यूनियन 3 से इंफिनिटी,
इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, कॉमन सेंस की बात है। अब मैंने आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता ना, तो माइनस टू पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा। बाकी के क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन में इक्वल भी है, ठीक है। यहाँ पे था वाई लेस देन जीरो, फिर है वाई ग्रेटर देन जीरो, फिर है वाई लेस देन जीरो, फिर है वाई ग्रेटर देन जीरो। आ गया समझ में? इजी है, तो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। आज के क्वेश्चंस यहीं एंड होते हैं, जिसमें अपन ने बेसिक इनइक्वालिटीज को क्रिटिकल पॉइंट की मदद से नंबर लाइन बना के सॉल्व करना सीखा है। तो टॉपिक इज वेरी वेरी इजी। आई एडवाइस कि आप इनके क्वेश्चंस को जरूर खुद से ट्राई करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, लॉजिक भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।